कितने दिनों बाद लड़के बाद तुम लोगों ने इतना लेट कर दिया भाई, चल रहा है साला। ये देखो भाई फोटोशूट चल रहा है, क्या बोल दो भाई, मेहनत भाई, अगर एक्टिव ना हो तो फेल देंगे भाई भाई व्लॉग नहीं डालता इतना अच्छा है। नहीं नहीं डालूंगा डालूंगा, आमिर भाई ने बहुत मोटिवेट किया, फिर डालूंगा जरूर। चलो बाय बाय, सेफ राइड। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। एंड यस, टुडे इज संडे। एंड जैसे कि मैंने प्रीवियस वाला व्लॉग में बताया था कि संडे को अपना जिक्सी जो है वो चली जाएगी अपने नेक्स्ट ओनर के पास। सो यस, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 8:30 जितना कुछ हो रहे हैं। एंड ओनर आ चुका है फाइनली टू रिसीव द बाइक। एंड सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है क्योंकि फाइनली आज जिक्सी चली जाएगी। एंड गाइस, प्रीवियस वाले व्लॉग में मैंने एक लास्ट राइड मारा था जिक्सी को लेकर, आई होप्स आप लोगों ने देखा है। नहीं अगर देखा है देन आई बटन में लिंक आ रहा है, ज़रूर से चेकआउट करना, बहुत ही एक अमेजिंग सा प्लेस पे गए थे हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए। एंड वही था लास्ट राइड विद जिक्सी। एंड अभी तो चलो उसको हैंड ओवर करते, हियर इज़ द कीज़। एंड येस, आई एम गोइंग टू मिस हर अ लॉट। चलो देते हैं ओनर को, ओनर इज़ स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। चलो सो गाइज, ये रहा जिक्सी का नया ओनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये लो भाई चाबी, सॉरी भाई जिक्सी के लिए। अरे कोई बात नहीं यार, चलो वार्म अप कर लो बाइक। चलो बाय बाय, सेफ राइड। और गाइस, ये मेरा गैरेज खाली हो गया, अभी भी जिक्सी का साउंड आ रहा है बट माय गैरेज इज एम्प्टी। तो गाइज, एक्चुअली मैं अभी अपना जो महफिल रेस्टोरेंट है उसके सामने आ चुका हूँ। एंड ये रही पीछे मेरी थार। तो एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो किया था तब था संडे, जब मैंने अपना जिक्सी को हैंडओवर कर दिया था उसके नए ओनर के पास। एंड आज है थर्सडे, तो अच्छा खासा गैप लग गया। ये वीडियो एक्चुअली कंटिन्यूएशन में चल रहा है। एंड अभी मैं वेट कर रहा हूँ मेरे दो दोस्त के लिए जो है बियर बाइकर सैमी एंड आमिर माजिद। तो आप लोगों को पता रहेगा शायद कि आमिर माजिद आए हुए हैं कोलकाता में, तो आज हम लोग फाइनली मिलने वाले हैं। एंड देखते हैं आसपास में थोड़ा सा घूमेंगे कार लेकर, तो आप लोग बने रहो, पूरा वीडियो देखा एंड एंजॉय करो। ये है हमारे अंकल। A few moments later. हेलो भाई, हेलो बॉय, कितने दिनों बाद लड़के बाद तुम लोगों ने इतना लेट कर दिया भाई, चल रहा है साला। हां कैमरा लाया ही नहीं दूसरा। अच्छा अच्छा, इसका अभी टांग काटूंगा। टांग कि कहां, टोक्यो कहां गया भाई? टोक्यो भाई घर पे है भाई, इसके साथ ही निकले भाई। आ गया एकदम जम्मू से भाई, हैट्स ऑफ टू यू भाई। गया अंदर, थार एग्जैक्ट पलट ना जाए भाई। अरे नहीं पलटेगा भाई, 5 kg का मुंह गया भाई। ठीक है, आग खतरनाक। 9 or 10 सेम ही है ब्रेक का, अबे गू है वो। सो गाइज, अभी एक्चुअली हम लोग आए हैं सैकलॉन्स कैफे। मैं देख रहा हूँ चप्पी करके सोतो इस्तियाक को भाई, क्या कर। काम करना भाई, वहां से ले लेना। अच्छा ठीक है सर, चला गया। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, रेडी। ये देखो भाई फोटोशूट चल रहा है। व्हाट्स अप गाइस, गाइस जितना हो सके बियर बाइकर सैमी को गाली दो, गाली दो गाइस, अनफॉलो भी कर सकते हो ऐसे कुछ भी कर सकते हो, और भाई को प्यार बरसाओ भाई, ढेर सारा प्यार भाई,
जल्दी ना कम बैक करेगा एकदम खतरनाक इंशाल्लाह बहुत जल्दी कम बैक करूंगा भाई। एक चीज बता रहा हूँ ठीक है, ये उसके कैमरे में हो रहा है ना जो भी ये बंगाल मोटो ब्लॉगिंग अगर किसी ने लाया है दैट गाय, क्योंकि एक चीज होता है ना, एक चीज होता है कि आप लोग किसी को देख के इंस्पायर होते हो। शर्मा रहा है लौंडा, शर्मा रहा है लौंडा, शर्माने का बात नहीं है ठीक है गाइस। जो फैक्ट है, मैंने भी बहुत सारे वीडियो में बोला था कि भाई मैंने भी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो इसको देख के स्टार्ट किया ठीक है, क्योंकि एक रहता है कि कोई स्टेट में कोई एक बंदा ऊपर जाता है ना उसको देख के बहुत सारे करते हैं ठीक है, आज मैंने को देख के बहुत सारे करते हैं, बट क्या करते हैं मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं कुछ और समझ रहा था, सॉरी गाइस, पे गाली नहीं देगा। तो गाइस बेसिकली ये है कि 2016 में जब इसे स्टार्ट किया था तब उस टाइम पे कोई ब्लॉगिंग छोड़ो मोटो ब्लॉग मतलब मोटो ब्लॉगिंग छोड़ो ब्लॉगिंग तक नहीं करता, तब भाई का धंधा था मुंबई में। चलो जाने का टाइम हो गया, चलो चलो भाई। मैं एक चीज बताता हूँ, जो लोग सेलिब्रिटीज रहते हैं वो लोग ना नॉर्मली ऐसे चप्पल वप्पल में घूमते हैं, चप्पल वप्पल में मैं ऐसे अपने कंफर्ट जोन में रहा करो, अपना कंफर्ट जोन में घूमते हैं वो लोग। सो गाइस अभी हम लोग फिर से घूम के आ गए बैक टू आवर महफिल, ए सैमी भाई अभी ये लोग जाएगा डिनर पार्टी करने के लिए, आज बहुत ही अच्छा गुजरा। पार्टी करने के लिए पार्टी करके ही आए भाई, इतना खा के आया फिर जाएगा खाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, दावत दावत खाने के लिए जाएगा। नहीं नहीं गाइस, आज का इवनिंग बहुत बहुत नींद आ रहा है, अच्छा लगा। और वो आमिर भाई आ रहे हैं अभी आराम से, कैसे लगा भाई सामी भाई? बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत दिनों के बाद मिला, कब मुलाकात होगा नहीं पता, बर्थडे राइट, गुड विशेस फॉर योर आसाम राइट, दोनों को गुड विशेस फॉर देयर आसाम राइट। अब मुलाकात कब होगा नहीं पता, क्योंकि मैं तो अभी थोड़ा सा इनएक्टिव हूं ज्यादा। ठीक है भाई, कुछ बोलते क्या बोल दो भाई, मेहनत भाई अगर एक्टिव ना हो तो फेल देंगे भाई भाई व्लॉग नहीं डालता इतना अच्छा है। नहीं नहीं डालूंगा डालूंगा, आमिर भाई ने बहुत मोटिवेट किया, फिर डालूंगा जरूर ठीक है, डेली डालेगा भाई, जल्दी भाई न्यू बाइक भी ले रहा है। बाय 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 बाय। ऑलराइट गाइस, तो ये जो वीडियो है ये भी कंटिन्यूएशन में चल रहा है, मैं एक दिन बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड आप लोगों ने कमेंट किया था कि आमिर भाई कोलकाता आए हुए हैं तो उनके साथ मिलो एंड व्लॉग बनाओ, तो लो मैंने व्लॉग बना लिया। एंड गाइस एक्चुअली हम लोग गए थे थर्सडे को, आज है सैटरडे, तो एक दिन का गैप और लग गया यार, टाइम नहीं मिल पाता यार, प्लीज़ एक्सक्यूज। तो एनीवेज गाइस, आमिर भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने उनसे मीट किया एंड बंदा बहुत सही है, बहुत ही अच्छा बंदा है यार, इतना मोटिवेटिंग बंदा है यार, मुझे भी बहुत मोटिवेट किया भाई ने, तो बहुत ही अच्छा लगा मिलकर। एंड गाइस आज सैटरडे है, कल संडे को आमिर भाई और सामी भाई अपने आसाम राइड के लिए निकल रहे, तो यार मेरा तो जाने का बहुत मन था बट अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हो पाएगा। एंड जो लोग आसाम से है वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि जाहिर भाई आप भी आओ उनके साथ, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भाई लोग, मैं नहीं आ पाऊंगा, अभी कुछ काम चल रहा है मेरा, बाद में इंशाल्लाह जरूर से आएंगे। ना यार आप आसाम वाले लोग ना बहुत ही अच्छे हो, बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट देते हो, हमेशा आपका कमेंट्स तो रहता है, तो आसाम वाले लोग कमेंट जरूर करो एंड मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। बाय द वे अभी आमिर भाई और सामी भाई जा रहे हैं, दोनों ही मेरे भाई है तो उनका ख्याल रखना, उनको सपोर्ट एंड प्यार देते रहना। एंड यस गाइस, आज एक्चुअली आमिर भाई और सामी भाई का एक मीटअप है बारासात में, तो होपफुली इंशाल्लाह ट्राई करेंगे जाने का, कोशिश करेंगे भाई लोग से मिलेंगे और एक बार एंड गुड विशेस देंगे उनका आसाम राइड के लिए। एंड अभी तो फिलहाल मैं वीडियो एंड करूंगा, क्योंकि पिछला दिन वीडियो एंड नहीं कर पाया मैं, क्योंकि रात के 12 बज गए थे, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था, घर आ गया था, सो गया था। अभी वीडियो एंड करेंगे बट उसके पहले एक छोटा सा अनबॉक्सिंग है, लेट मी जस्ट शो यू जो चीज़ मैं अभी अनबॉक्स करने वाला हूँ। हियर इज अ बॉक्स, यू कैन सी, स्टील बर्ड की तरफ से एक हेलमेट मुझे भेजा गया है जिसको मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया 2-3 बार, बट आप लोगों के लिए मैंने फिर से इसको हल्का फुल्का सा पैक कर लिया एंड फिर से इसको अनबॉक्स करेंगे। तो गाइस ये रहा बैग, चलो इसको यार इसको निकाल लेते हैं पहले। बहुत ही अमेजिंग सा एक बैग है, यहाँ पर हम लोगों को मिलता है कुछ एक्स्ट्रा सा पैडिंग जो हर हेलमेट के साथ आपको नहीं दिया जाता है, यहाँ पर कुछ पैडिंग दिए हुए हैं एज यू कैन सी। एंड ये रहा बैग, इसको करते हैं साइड में एंड चलो बॉक्स को खोल लेते हैं, आई मीन बैग को खोल लेते हैं। यार भाई जस्ट लुक एट दिस हेलमेट गाइस, कितना अमेजिंग सा हेलमेट है यार, स्टील बर्ड के तरफ से इतना अमेजिंग हेलमेट, वाओ यार इसका शेप तो देखो यार, यहाँ पर स्पॉइलर वगैरह दिए हुए हैं। एंड गाइस इस हेलमेट का एक खासियत है, वो है कि आप लोग देख सकते हो एक कुछ डिफरेंट सा चीज़ आपको मिलता है इस हेलमेट के साथ, दिस इज एक्चुअली अ नेक प्रोटेक्टर। तो चलो मैं एक बार इस हेलमेट को पहनकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज यू कैन सी ये जो है ये एक एक्चुअली नेक प्रोटेक्टर है, इसको आप यूज़ कर सकते हो विंटर सीजन में, बट अभी यार भाई लोग बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और इसको रिमूव करना ही बहुत ईजी है, यहाँ पर जिप दिए हुए हैं,
इसके मदद से आप इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटैच कर सकते हो। एंड यू कैन सी ये रहा हेलमेट, तो ये निकल जाता है, ये अलग हो जाता है। तो गाइज दिस इज द स्टील बार एसे 2, बहुत ही अमेजिंग सा है हेलमेट, बहुत इसका जो शेप है ये सबसे मुझे ज्यादा अच्छा लगा। बाय द वे यहाँ पर जो इसका वाइजर है ये एंटी स्क्रैच वाइजर विथ फॉग, एंटी फॉग दिया हुआ है, तो विंटर में फॉग होने का कोई चांस नहीं है। एंड इसके अंदर आपको दो तरह के पैडिंग्स मिलते हैं, मतलब पैडिंग एक मिलता है, उसके साथ लाइनर मिलता है विंटर लाइनर, एंड प्लस के साथ आपको मिलता है इसका जो नेक प्रोटेक्टर है जिसको आप विंटर में यूज कर सकते हो। ये आपका हाइजीन भी मेंटेन रखता है एंड बहुत ही अमेजिंग सा हेलमेट है। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है दैट्स 4,499, तो ये सर डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। बाय द वे अब से मैं सोच रहा हूं कि इसी हेलमेट को अपने मोटो व्लॉगिंग के लिए भी यूज करूं, क्योंकि हेलमेट लाइट भी है, कंफर्टेबल भी है एंड बहुत सेक्सी भी है। तो गाइस इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को एंड होप सो आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो बहुत ही कमाल का लगा। आई एम मिसिंग माई जिक्सी अ लॉट। एंड गाइस नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा बाइक मैं लेने वाला हूं, आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना कि कौन सा बाइक लेना सही रहेगा। एंड यस चलो बहुत ही अच्छा था आज का वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा मिलके आमिर भाई से। आप लोग लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, क्योंकि यस आई एम प्लानिंग फॉर अ न्यू सुपर बाइक, एंड सुपर बाइक अगर आ जाएगा नया तो उसके ऊपर बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो बनेगा। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखना।